जय श्री राम दोस्तों, लाभदायक हो आपका निवेश। मैं हूं देवेश। दोस्तों आपको तो जानकारी है, पहले टर्की ने भारतीय गेहूं को रिजेक्ट किया, फिर इजिप्ट ने भारतीय गेहूं ठुकराया। इजिप्ट ने तो भारतीय गेहूं का सैंपल भी नहीं लिया, टेस्टिंग भी नहीं की, सीधा कह दिया दूर ले जाओ भारतीय गेहूं को। अब चलो, इन दोनों देशों के द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद भारतीय गेहूं इसराइल के बंदरगाह पर खड़ा हुआ है, उसको बायर भी मिल गया है। मतलब हमारे गेहूं को तो खरीदार मिल गया है, हमारा काम पूरा हो चुका है। लेकिन आप इजिप्ट की हालत देखिए, इजिप्ट को खरीदना है गेहूं, लेकिन दुनिया भर में गेहूं के दाम आसमान पर चढ़े हुए हैं, इनके पास नहीं है पैसा। इजिप्ट जो है कटोरा लेके खड़ा हो गया है वर्ल्ड बैंक के सामने। वर्ल्ड बैंक से इन्होंने मांग करी है $500 मिलियन के लोन की। दरअसल पिछले महीने की बात है, वर्ल्ड बैंक ने एक $30 बिलियन का प्रोग्राम बनाया था, जिसके द्वारा उनको $30 बिलियन का लोन बांटना है उन गरीब भूखे नंगे देशों को, जिनके खाने के लाले हैं, जिनके पास ना आज के लिए आटा है ना कल के लिए गेहूं है। उन देशों के लिए ये $30 बिलियन की फैसिलिटी बनाई गई थी। लेकिन इस फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए सबसे आगे लाइन में खड़ा हो गया है इजिप्ट। अब आप इजिप्ट की होशियारी देखिए, खुद का कहना है ये उनका, वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में गेहूं के दाम चढ़े हुए हैं, तो हम महंगा गेहूं खरीद लेंगे दुनिया भर से, लेकिन साथ में हम जुगाड़ कर लेंगे सस्ते ब्याज की वर्ल्ड बैंक से। उनका कहना है कि हम दुनिया भर से महंगा गेहूं खरीद लेंगे एक हाथ से, साथ में हम दूसरे हाथ से वर्ल्ड बैंक से ले लेंगे सस्ता कर्ज, क्योंकि वर्ल्ड बैंक देगा कम ब्याज दर पर कर्ज। तो वर्ल्ड बैंक की सस्ती ब्याज दर के चलते जो कर्जे में पैसा बचेगा, उस पैसे का इस्तेमाल करके इजिप्ट जो है दुनिया भर से महंगा गेहूं खरीदने की जुगाड़ में बैठा हुआ है। मतलब दुनिया जाए भाड़ में, गरीब देशों की चिंता नहीं है इनको, इनको पहले अपने लिए गेहूं की व्यवस्था करनी है, वो भी तब, जबकि इनका खुद का कहना है कि अगले साल मार्च तक के लिए इनके पास गेहूं का भंडार है। फिर भी इनको मारामारी करनी है, होड़ मचानी है। अब आप देखिए कि इनको $500 मिलियन की दरकार है वर्ल्ड बैंक से, लेकिन उसके पहले ही €100 मिलियन मिल चुके हैं इनको यूरोप से, जिसका इस्तेमाल करके इनको जो है वेयरहाउस बनाने हैं, फूड की स्टोरेज की व्यवस्था करनी है। मतलब €100 मिलियन इन्होंने हड़प लिए हैं यूरोप से। अब इनको $500 मिलियन चाहिए वर्ल्ड बैंक से, लेकिन वर्ल्ड बैंक का कहना यह है कि ये जो $30 बिलियन की हमने फैसिलिटी बनाई थी, वह गरीब देशों के लिए है, आपके लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये $30 बिलियन का जो आंकड़ा है वह बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक को बांटना यह पूरी दुनिया को है। वर्ल्ड बैंक से कर्जा मिल जाएगा, दुनिया भर के गरीब देश यही आस लगाए बैठे हैं, इसलिए वर्ल्ड बैंक के हाथ पांव कांप रहे हैं। दूसरा वर्ल्ड बैंक का कहना यह है कि दुनिया भर के जो देश हैं उनके पास कर्ज लौटाने की क्षमता है नहीं, लेकिन उनको कर्जा चाहिए। तो जो कर्जे का लेवल है दुनिया में वह बहुत अधिक बढ़ गया है। हमारे अपने पड़ोस में आपको पता है श्रीलंका की, नेपाल की कैसी हालत है, यही हालत दुनिया के अधिकांश गरीब देशों की है। इसलिए वर्ल्ड बैंक के पांव कांप रहे हैं इजिप्ट जैसे देशों को और अधिक लोन देने से। जहां तक हमें समझ में आता है, वर्ल्ड बैंक ने पहले उन देशों को तरजीह देनी चाहिए जिनके पास वास्तव में भयंकर फूड शॉर्टेज की समस्या है, और यह समस्या वह आज फेस कर रहे हैं। आज से 6 महीने बाद जिन देशों ने फूड शॉर्टेज का सामना करना है, तो उनको मदद भी बाद में की जा सकती है, कम से कम अभी मदद नहीं करना चाहिए। अब यदि इजिप्ट को वर्ल्ड बैंक से सहायता नहीं मिलती है फाइनेंशियल, तो भी इजिप्ट को अपने लिए गेहूं तो चाहिए। इसलिए इजिप्ट यदि भारत से मांग करता है कि साहब हमें उधार में गेहूं दे दो, या गेहूं खरीदने के लिए उधार दे दो, तो हमारी अपेक्षा है कि भारत सरकार कम से कम इजिप्ट पर मेहरबान नहीं होगी। हमने इजिप्ट का बर्ताव देख लिया है, बिना 100% एडवांस पेमेंट के भारत सरकार ने इजिप्ट को गेहूं का एक दाना भी नहीं देना चाहिए। रही बात मदद करने की, तो मदद करने के लिए हमारे पास दोस्तों की कमी नहीं है। हमारे अपने पड़ोस में अफ्रीका में कई देश हैं जिनको वास्तव में गेहूं की किल्लत है, भारत ने उनकी मदद करनी चाहिए। इसी बीच दोस्तों, शेयर मार्केट में जो अभी कमजोरी का दौर चल रहा है, उसमें कई आत्मनिर्भर इन्वेस्टर्स का कहना था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मार्केट गिरता है तब भी उनके पोर्टफोलियो में हरियाली बनी रहे। मार्केट में चाहे उतार हो या चढ़ाव हो, आत्मनिर्भर इन्वेस्टर्स के मुंह पर मुस्कान बनी रहना चाहिए। मार्केट में कोई भी सिनेरियो अनफोल्ड हो, आत्मनिर्भर इन्वेस्टर्स की उसमें जीत होना चाहिए।
यह सब संभवतः फ्यूचर्स के माध्यम से, इसलिए आत्मनिर्भर इन्वेस्टर्स की डिमांड पर हमने डिजाइन किया है आत्मनिर्भर फ्यूचर्स कोर्स। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी लिंक, उस पर क्लिक करके आप आत्मनिर्भर फ्यूचर्स कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।